नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आपका समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे सीधे आगे चलते हैं आज के पंचांग पर। 31 अगस्त 2018 शुक्रवार का आज दिन है, पंचमी तिथि है और अश्विनी आज नक्षत्र है। आज के ग्रह योग में आपका दिन कैसा रहेगा, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज निरर्थक चिंताएं नहीं करनी चाहिए। दिन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं वैसा गलत नहीं होगा। चूंकि चंद्र कई बार लग्न में होता है तो तनाव व्यक्ति को हो जाता है और व्यक्ति अधिक सोचना शुरू कर देता है और काम करते करते ही वह रुक जाता है। आज आपको रुकना नहीं है, अपने कार्य का शुभारम्भ करें, समापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आर्थिक कार्यों में आज व्यस्तता रहेगी, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मन अवश्य ही लगा रहेगा। थोड़ा सा मित्रों के कारण आप विचलित हो सकते हैं दोपहर के बाद, लेकिन आप अपने काम से काम रखेंगे तो लाभ आपको अच्छे मिलेंगे। आज चिंता छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, लाभ मिल जाएगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प यदि अपने साथ रख सकें बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज धैर्य से काम लेना है, सफलता अच्छी मिलेगी, खुशखबरी भी आज आपको सुनने को मिलेगी। वैसे माता पक्ष की तरफ से भी शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज दिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हमें जो काम करने हैं वह काम भी सफल होंगे। मित्रों की तरफ से कुछ खुशखबरी भी मिलेगी। आज सायंकाल मिठाई खाने को भी मिल सकती है। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, घर में कोई भी आए उसे मिठाई जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज बोल चाल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी पर थोड़ा संयम रखें, शब्द अच्छे हों इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चंद्र की विपरीत स्थिति बनती है तो एक शब्द ही हमारा खेल बिगाड़ देता है, जबकि हमने वह हास्य के रूप में बोला हो या सामान्य हास्य प्रयास में बोला हो लेकिन लोगों को बुरा लग सकता है। आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। विजयश्री भी मिलेगी, आपके काम भी संपन्न होंगे और जिस व्यक्ति से आप संपर्क में आ रहे हैं वह भी आपकी बात नहीं टालेगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आपके व्यक्तित्व में भी कुछ वृद्धि होने ही वाली है, लेकिन जिन लोगों के कहने पर आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपको अपने आप पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और सुखमय बनाने के लिए घर से मिठाई खाकर जाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का आज का दिन बहुत अच्छा है, समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है। मित्र आपकी मदद भी कर रहे हैं तो कुल मिलाकर आप कम मेहनत करेंगे और आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, अर्थात आप काम करते रहें सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। लेकिन जब मित्र अपनी मदद करें तो कुछ ना कुछ मिठाई खिलाने की तो बनती है, तो थोड़े से पैसे उसके लिए पॉकेट में डालकर जाएं अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का पहले आपने जो कार्य किए थे उसका आज पारिश्रमिक प्राप्त होने वाला है। वैसे आज आप कुछ नए कार्य भी करने वाले हैं, उसमें परिजनों की मदद लगेगी और यदि आप तनावग्रस्त चल रहे हैं तो थोड़ा अपनी समस्या को परिजनों से शेयर करें, उसमें लाभ अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास को आप बढ़ाकर रखें। जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दबाव में आप दोपहर के बाद आ सकते हैं, लेकिन आपको जो कार्य करना है घर से सोचकर निकले कि मुझे इतने ही कार्य आज संपन्न करने हैं और उस बात पर आप अड़े रहें। आपको विजयश्री भी मिलेगी और किसी का प्रभाव आपके ऊपर भी नहीं हो पाएगा, वो सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे इसलिए एक दो बिस्किट कुत्ते को अवश्य खिलाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन बहुत अच्छा है, लेकिन शीघ्रता आज नुकसानदायक हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य धारण करके कार्य करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार हम किसी काम के लिए दो तीन लोगों को बोल देते हैं, वह नहीं करना है। एक ही व्यक्ति पर भरोसा करें, उसी से आप कार्य कराएं, आपका कार्य भी संपन्न होगा, अधिक समय भी नहीं लगेगा और जो आप सोच रहे हैं वह सही तरह से हो जाएगा। मकर राशि वाले व्यक्ति को आज छोटे छोटे से परिवर्तन करने होंगे। पहले तो जो काम करना है उसको आप रिटर्न में रखें कि आज मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, फिर एक एक करके कार्य संपन्न करते जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी दोपहर के बाद थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हो सकती है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं आकस्मिक उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है, तो थोड़ा स्वविवेक का ही निर्णय लें, दूसरे व्यक्ति की बातों में ना आए, सफलता मिल जाएगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि है। सभी तरफ से आप सफल हैं, मिठाई भी खाने को मिलेगी, आपके कार्य भी आज संपन्न होंगे, परिजन आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, उसमें आपको भी आनंद आएगा।
मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज धन से संबंधित थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जिन लोगों से आप कोई वायदे धन के संबंध में कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच कर करें, अन्यथा आपकी बात गलत हो सकती है। पहले तो आज किसी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें, और जो कार्य सामान्य रूप से हो सकता है उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, बेहतर होगा। पहला जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है शोभित गर्ग जी का है, मुंबई से। आपने जानना चाहा नौकरी में तरक्की कब होगी, संतान सुख और नज़र के दोष के संबंध में आपने एक लंबा सा मेल लिखा है। दर्शकों, थोड़ा शॉर्ट में आप मेल लिखें तो उत्तर देने में थोड़ी आसानी होती है, इसका आप भी ध्यान रखें। शोभित जी, आपका अभी जो समय चल रहा है सेप्टेम्बर 2020 तक, थोड़ा सा स्लो समय है 2017 से 20 तक का। गुरु की मार्गदर्शन में राहु चल रहे हैं, उसमें कई बार कामों में कमी आ जाती है, तो 2020 तक आप इंतज़ार करें, बहुत अच्छा समय होगा। संतान सुख की जहाँ तक बात है, मार्च 2019 के बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात 2019 में संतान आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तीसरा, नज़र के दोष के भी आपने एक प्रश्न लिखा है, उसके लिए शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हैं और वहाँ जो अगरबत्ती जलती है उसको मस्तिष्क पर लगाने से नज़र नहीं लगती है, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है आर्यन जी का। आर्यन जी, आपने जानना चाहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, लखनऊ से आपने इस प्रश्न को जानना चाहा है। आपकी जो राशि धनु राशि है और ग्रह योग अभी आपको गुरु की मार्गदर्शन चल रही है, इसके अनुसार योग तो अब आपके सही शुरू हो रहे हैं 2019 से। वैसे अक्टूबर 2018 से आपको लाभ मिलना शुरू होगा गुरु के परिवर्तन होते ही, और जुलाई अगस्त 19 के बाद से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए आपको भगवान शिव जी की भी आराधना करनी होगी, उनकी आप आराधना करें, सोमवार को दीपक भी सायंकाल जलाएं, बेहतर होगा, और अगले वर्ष के बाद आपको कोई समस्या लगभग मुझे लगता है 8-10 वर्ष तक नहीं होगी। तीसरा प्रश्न पूछा है पूजा जी ने, आपने फ्यूचर में बच्चे के डिटेल्स जानने चाहें कि इनका भविष्य क्या होगा। पूजा जी, आपके बच्चे को अभी शनि की मार्गदर्शन है और शनि इनका बहुत अच्छा है, मात्र शनि की मार्गदर्शन में कई बार वात रोग और कई बार कफ की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, इसका आप थोड़ा इनका ध्यान रखें, विशेषकर 13 वर्ष की उम्र तक। बाकी इनका गजकेसरी योग है, हालांकि गुरु राहु का चंडाल योग भाग्य स्थान पर है जो विपरीत राग योग को भी दर्शाता है, तो उसमें आप चिंतित ना हो, भविष्य का बहुत अच्छा है। जब भी इनका जन्मदिन आएगा उस दिन मावे की मिठाई अवश्य बनाएं और इनके सारे मित्रों को मावे की मिठाई पहले दें, इसके बाद आप अन्य भोजन कराएं, तो जो दोष इसमें बन रहे हैं ये दोष भी दूर होंगे और आप चिंतित अधिक नहीं होंगे। अगला प्रश्न जानना चाहा है शिमाली लोहानी जी ने, आपने जानना चाहा है जॉब कुछ सर्च कर रही हैं, जॉब आपको कब तक लगेगी। शिवानी जी, आपके जो ग्रह योग हैं ये ग्रह योग भी मई के बाद से चेंज होने वाले हैं, तो 2019 में मई से कुछ परिवर्तन होंगे या ठीक रहेंगे। इस वर्ष जो नवरात्रि आएगी, इस नवरात्रि के समय में या तो आप 9 दिन के व्रत कर लें, और व्रत यदि नहीं कर सकते हैं तो 9 दिन फलों का वितरण किसी भी एक देवी के मंदिर में, मंदिर फिक्स कर लेना, वहीं आपको फलों का वितरण करना है। ऐसा करने से जो अभी दोष चल रहा है पिछले 1.5 वर्ष से, यह दोष समाप्त होगा, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आप जिस स्थान पर निवास कर रही हैं वहाँ से पश्चिम दिशा के क्षेत्र में आपकी सर्विस होगी और ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित आपका जॉब होगा जो ठीक रहेगा। मित्रों, आजकल देखने में बहुत आ रहा है, विशेष रूप से मेरे अनुभव में तो लगातार प्रतिदिन ही 2-3 केस ऐसे होते हैं कि पारिवारिक जीवन बहुत बिगड़ रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव हो जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी कहीं चल रही हो तो आज पंचमी का दिन है, तिथि पंचमी है, शुक्रवार है, ऐसे समय में गाय को हरा घास खिलाना दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा भी घास उसको खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होना शुरू होगी, और जब भी पंचमी और शुक्रवार का दिन मिल जाए तो ये आपके लिए वरदानदायक दिन होगा, उस दिन आप इस कार्य को अवश्य करें। जैसे आज ये शुभ दिन आपके हाथ में है, इसका लाभ अवश्य उठाएं। मित्रों, कई बार देखा होगा हम बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से समस्या शेयर करते हैं, समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, अपितु जिससे हम अपनी समस्या शेयर करने जा रहे हैं वह उल्टी अपने से समस्या शेयर करके हमारी समस्या को और बढ़ा देता है, और हम निहत्ते होकर फिर परेशानी के भाव लिए मुँह लटकाए वापस घर में प्रवेश करते हैं। ऐसी समस्याएँ कई बार महीने में 2 या 3 बार तो होती हैं कि जब हम थोड़ा सा अपने आप को निराश महसूस करते हैं।
इस निराशा के माहौल में आप किसी भी देवस्थान पर जाएं, तो देवस्थान की आप यदि एक परिक्रमा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज का सुविचार यही है कि जब भी परेशानी में हो तो सबसे पहले हम भगवान को याद करें, उनकी एक परिक्रमा करें, आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। दर्शकों आज इतना ही। आप भी अपनी समस्याओं का कुछ हल जानना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं astrologywithacharyrajesh@gmail.com पर। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।